एयरलाइन बिजनेस आज के टाइम पर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो भी बिजनेसमैन एंटर हुआ है या तो उसकी कंपनियां बंद हो गई है, या तो उस बिजनेसमैन की एयरलाइन कंपनी पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो गई है, या फिर तो वो फिलहाल में उनकी एयरलाइन कंपनी लॉस में चल रही है। आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इसी चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि एयरलाइन का बिजनेस इंडिया में इतना रिस्की बन चुका है, जिसके वजह से आज के टाइम पर जो अंबानी फैमिली है, जो इंडिया के हर एक सेक्टर में कदम रख चुके हैं, वही अंबानी फैमिली ने आज तक एयरलाइन बिजनेस में जाने का एक बार भी ट्राई ही नहीं किया या फिर कभी कोशिश ही नहीं की। इसे आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि असल में यहां पर इंडियन एयरलाइन बिजनेस की हालत कैसी हो चुकी है। तो आइए आज इसी चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है ऐसी, क्या हालत हो चुकी है इंडियन एयरलाइन में जिसके वजह से आज के टाइम पर बड़े बड़े एयरलाइन फेल होते जा रहे हैं। आखिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से किंगफिशर एयरलाइन, जेट एयरवेज, डेक्कन एयरलाइंस और सहारा एयरलाइन के साथ में सात बड़े बड़े एयरलाइंस भारत में फेल हो चुके हैं पिछले 3-4 डिकेड्स। आप कंपेयर करोगे तो देखोगे यहाँ पर एयरलाइन सेक्टर को रेलवे सेक्टर को, आप देखोगे तो यहाँ पर इन दोनों सेक्टर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। आप देखोगे कि ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आते हैं और दोनों ही बिजनेस यहाँ पर सेम टू सेम है, यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने का। लेकिन यहाँ पर रेलवे सेक्टर जो है वो हर साल इंडिया में बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाता है और सबसे ज़्यादा नौकरियाँ देने में भी रेलवे सेक्टर का ही हाथ है। लेकिन आप देखोगे तो बिजनेस मॉडल और दोनों सेक्टर सेम होने के बावजूद भी एयरलाइन बिजनेस ज़्यादातर हमेशा नुकसान में ही रहते हैं इंडिया में। तो यहां पर आपको इस चीज को जरूर जानना चाहिए कि आखिर कारण क्या है इसके पीछे। पिछले 3-4 डिकेड्स में इंडिया में 10 से भी ज्यादा बड़े बड़े इंडियन एयरलाइंस बंद हो चुके हैं और यहां पर इंडिया में जो फिलहाल में चल भी रहे हैं वो लॉसेस में चल रहे। तो इनके पीछे का रीजन जानने से पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि आखिर एयरलाइन बिजनेस की केमिस्ट्री कैसे काम करती है, यानी कि ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, एयरलाइन बिजनेस पैसा कैसे बनाते हैं। तो देखो एयरलाइन बिजनेस मॉडल यहां पर बहुत ही सिंपल है समझने में। आप देखोगे तो सबसे पहले अगर हम एयरलाइन के रेवेन्यू सोर्स की बात करें, यानी कि एयरलाइन पैसा कैसे कमाती है, कहां से कमाती है, इन सभी चीजों की बात करें तो एयरलाइन सबसे पहले तो पैसेंजर टिकट से पैसा कमाती है। एयरलाइन में यहां पर क्या होता है कि 3 टाइप की कैबिन्स होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और इकोनॉमिक क्लास। इंडिया की अगर हम बात करें तो एयरप्लेन में चीपेस्ट टिकट अगर आपको चाहिए तो वो आपको इकोनॉमिक क्लास की आराम से मिल सकती है और ये प्राइस भी यहां पर शुरू होते हैं करीबन 6,000 से लेके 15,000 रुपए तक। यानी कि अगर आप इंडिया में अगर आप मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना चाहो तो आपको इसका प्राइस करीबन 6,000 से 15,000 के बीच में या फिर इससे ऊपर ही कोर्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपको दूर सफर करना हो तो इसका दाम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एयरप्लेन में यहाँ पे हर सीट और हर केबिन के अलग अलग प्राइस होते हैं। इकोनॉमिक क्लास का अलग प्राइस होता है और बिजनेस क्लास का यहाँ पे अलग प्राइस होता है, जिससे एयरलाइन यहाँ पर पैसेंजर टिकट से पैसा कमाती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो वो है कार्गो। हर एयरवेज में अपनी एक अलग कार्गो एयरलाइंस होती है, उनके डिपार्चर होते हैं जिसमें वो कार्गो को एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करने का काम करते हैं और इस तरीके से भी वहां पर रेवेन्यू कमाया जाता है। तीसरा तरीका और सबसे लास्ट तरीका है एयरलाइंस की कमाई का, वो है फूड सर्विस। लेकिन फूड सर्विस क्या होता है कि यहां पर ज्यादा कमाई एयरलाइंस इस चीज से कर नहीं पाती क्योंकि जमीन से 10,000-15,000 फीट ऊपर कई लोगों को खाना यहां पर इतना पसंद नहीं आता है। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो एयरवेज में और रेलवेज में कमाई के भी सेम तरीके, पहला पैसेंजर टिकट से दोनों कमाई करती है, दूसरा मालगाड़ी यानी कार्गो से और तीसरा फूड सर्विस से। अब यहां पर आप नोट करोगे तो देखोगे कि रेलवे सेक्टर में भी सेम इन्हीं तीन तरीकों से पैसा कमाया जाता है और एयरलाइन सेक्टर में भी सेम इन्हीं तरीकों से पैसा कमाया जाता है, यानी कि एयरवेज और रेलवेज दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि रेलवे क्यों हर साल ज्यादा प्रॉफिट बना लेती है और एयरलाइंस कंपनियां क्यों लॉसेस में रहती है और बहुत सारी कंपनियां बंद भी क्यों हो चुकी है। तो इसके पीछे का एक रीजन है एयरलाइन कॉस्ट। अगर हम एयरलाइंस कॉस्ट की यहां पर सबसे मेजर रीजन की बात करें जिसके वजह से कई कंपनियां इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाती है, सबसे मेजर रीजन है फ्यूल कॉस्ट। यहां पे एक नॉर्मल एवरेज एयरप्लेन की अगर हम बात करें तो 5 गैलन फ्यूल का यूज कर लेते हैं हवा में उड़ने के लिए, यानी कि अगर 1 किलोमीटर एयरप्लेन को हवा में उड़ना है तो उसके लिए कम से कम 12 लीटर फ्यूल यहां पर यूज हो जाता है सिर्फ 1 किलोमीटर की जर्नी में ही। ऐसे में अगर आप इस कैलकुलेशन को ध्यान में रख के चलो तो मान लीजिए 10 घंटे की कोई फ्लाइट हो तो उसमें 36,000 गैलन यूज हो जाता है। अब नॉर्मल इंडिया में तो इतनी लंबी फ्लाइट होती नहीं है पर ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे की फ्लाइट तो इंडिया में आराम से हो ही जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा फ्यूल यहां पर यूज हो जाता है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह नहीं है कि फ्यूल का खर्चा यहां पर इसलिए कंपनियां फेल हो जाती है, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि फ्यूल का
का यहाँ पर हर साल खर्चा लगातार बढ़ते ही जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर रेवेन्यू तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूल का कॉस्ट, जिसके वजह से पूरा एयरलाइन सेक्टर का कॉस्ट यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर खर्चा एयरलाइन का अगर हम बात करें तो वो है लीजिंग कॉस्ट। आज के टाइम पर क्या होता है कि एयरलाइन बिजनेस कंपनी जो होती है वो नए एयरप्लेन खरीदने के बजाय दूसरे कंपनी के एयरप्लेन को रेंट पर रखने में ज्यादा बिलीव करती है। जब भी कोई भी एयरलाइन कंपनी को यहाँ पर ज्यादा प्लेन चाहिए होते हैं तो वो रेंट पर दूसरे एयरप्लेन को रख लेती है, लेकिन असल में आप देखोगे तो इन रेंटेड प्लेन का जो खर्चा होता है ना वो एयरप्लेन को खरीदने से भी ज्यादा महंगा पड़ जाता है एक टाइम के बाद, जिसके वजह से यहाँ पर ये एक फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आ जाता है और एयरलाइंस को यहाँ पर इसके वजह से काफी ज्यादा कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एयरलाइन के लिए अभी खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पर एयरलाइन कंपनी की टिकट बिके या ना बिके, एयरलाइंस कंपनी चले या ना चले, जितने भी एयरलाइन जो है यहाँ पर उन्हें एयरप्लेन को पार्किंग तो करने की जरूरत पड़ती ही है, इसी वजह से एयरप्लेन का पार्किंग कॉस्ट भी यहाँ पर उन्हें पे करना पड़ जाता है, जिसका खर्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जमीन यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एयरप्लेन का रेवेन्यू का सोर्स तो यहाँ पर सिर्फ तीन ही था, जिसमें पैसेंजर टिकट्स, फूड्स और कार्गो, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट की बात करें तो इसमें फ्यूल कॉस्ट, रेंट कॉस्ट और पार्किंग कॉस्ट आ गए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये कॉस्ट की लिस्ट यहाँ पर अभी अधूरी ही है, यानी कि सबसे मेजर कॉस्ट की बात करें तो वो है ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट का कॉस्ट। यहाँ पर सभी एयरप्लेन कंपनी का क्या होता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक टीम तो बिठानी पड़ती है जो कि मैंडेटरी है, बराबर एयरप्लेन का ट्रैफिक को ध्यान में रखना, बराबर एयरप्लेन का मैनेजमेंट करना, इन सभी चीजों की वजह से ट्रैफिक कंट्रोल पर यहाँ पर हर कंपनी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करती है। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है कि बिना इस काम के एयरप्लेन उड़ाना यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हर एक एयरप्लेन कंपनी में ट्रैफिक कंट्रोल का काम बहुत ही जरूरी और मैंडेटरी होता है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी एयरप्लेन कंपनी है उनमें पायलट्स होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, केबिन मेंबर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं जिन्हें काम पर रखा गया होता है, उनकी हाई अमाउंट की सैलरी भी होती है। तो अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखोगे तो एयरप्लेन कंपनी का रेवेन्यू का सोर्स सिर्फ तीन ही है, लेकिन कॉस्ट यहाँ पर बढ़कर पांच हो गए और ये खर्चे भी कोई छोटे मोटे खर्चे नहीं है। तो यहाँ पर यही रीजन बनता है कि एयरप्लेन कंपनी की कमाई कम और खर्चा ज्यादा बढ़ जाने की वजह से एयरप्लेन सेक्टर इंडिया में लगातार डाउन ही चला जाता रहता है। आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम है असल में एयरलाइन सेक्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।